ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर के विशेषज्ञों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। अध्ययनों के मुताबिक कोरोना का ये वेरिएंट बेहद संक्रामक है, ऐसे में सभी लोगों के लिए इसका खतरा बना हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सभी लोगों को इस वेरिएंट से बचाव को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। अध्ययनों में कोरोना के इस वेरिएंट के तमाम तरह के लक्षणों के बारे में पता चलता है। डेल्टा और ओमिक्रॉन के ज्यादातर लक्षण एक जैसे ही माने जा रहे हैं, हालांकि ओमिक्रॉन संक्रमण की स्थिति में कुछ लोगों में गले में खराश और रात में अधिक पसीना आने की समस्या के बारे में पता चलता है। कई रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि लोगों में लक्षण होने के बावजूद भी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। वहीं कुछ लोगों में ओमिक्रॉन के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हो रही हैं। आखिर कोरोना का ये नया वेरिएंट किस तरह के लक्षण प्रकट करता है, कैसे जाने कि आप कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, आइए आगे की वीडियो में इस बारे में विस्तार से जानते हैं। ज्यादातर लोगों में हल्के लक्षण। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि मौजूदा समय में कोरोना के सामने आ रहे ज्यादातर मामले असिम्प्टोमेटिक या हल्के से मध्यम लक्षण वाले हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, चाहे वो ओमिक्रॉन हो या टीकाकरण। हाँ, जिन लोगों में डेल्टा वेरिएंट के कारण संक्रमण हो रहा है, सिर्फ उन्हीं लोगों में पहले की तरह से गंभीर लक्षण वाले केस देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोगों में लक्षण होने के बावजूद भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, इसे लेकर लोगों में कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है। कब कराना चाहिए जांच? नई गाइडलाइन के मुताबिक यदि आपको सामान्य लक्षण बुखार और ऑक्सीजन का स्तर स्थिर बना हुआ है तो 7 दिनों का क्वारंटीन जरूरी है। हालांकि यदि इन लक्षणों के साथ सांस फूलने की भी समस्या हो रही है तो इस बारे में चिकित्सीय सहायता जरूरी हो जाती है। अगर आप में सर्दी, खांसी या बदन दर्द जैसे लक्षण हैं, लेकिन ऑक्सीजन का स्तर 94 से कम नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन स्तर को पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से मापते रहें और आइसोलेशन में ही सभी नियमों का पालन करते रहें। सामान्य लक्षणों पर जांच कराना जरूरी नहीं है। लक्षण होने के बावजूद रिपोर्ट नेगेटिव आने के कई कारण हो सकते हैं। इसका एक प्रमुख कारण है कि कई लोग लक्षण दिखने के पहले ही जांच करा लेते हैं। पहले दिन का परीक्षण नकारात्मक हो सकता है क्योंकि मानव शरीर में वायरस के बढ़ने में समय लगता है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।